Good. Hello class. Our today's topic is drawing of transparent. Today's topic is flower pot with cotton bud printing. तो आज हम आपको explain करेंगे कि flower pot आप किस तरह से बना सकते हैं cotton bud printing के through. तो इसमें हम कलरिंग करेंगे कॉटन बर्ड के थ्रू और पोस्टर कलर से. इसके लिए हम यूज़ करेंगे पोस्टर कलर कॉटन बर्ड्स. तो उससे पहले हम पूरा अपना रेडी करके रखते हैं. पहले एक फ्लावर पॉट ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम इसमें कलरिंग एक्सप्लेन करेंगे. पहले आपको एक स्केल से फ्लावर पॉट बनाना है. ड्रॉ फ्लावर पॉट, एक फ्लावर पॉट ड्रॉ कर लीजिए. उसके बाद फिर उसमें हम कलरिंग एक्सप्लेन करेंगे. तो हम पहले एक फ्लावर पॉट ड्रॉ कर लेते हैं बड़ा सा. हमने दो पैरेलल लाइन ड्रॉ किए हैं फ्लावर पॉट के लिए. ये हमने एक फ्लावर पॉट ड्रॉ किया है. अभी हम यहाँ पर कुछ लीव्स ड्रॉ करेंगे और फ्लावर ड्रॉ करेंगे. उसके बाद हम उसमें कलरिंग स्टार्ट करेंगे. तो यहाँ पर हमने सिंपल सा फ्लावर पॉट ड्रॉ किया है. अभी हम फ्लावर पॉट हमारा ड्रॉ हो चुका है. हम यहाँ पर एक कुछ लीव्स ड्रॉ करेंगे. बड़ी बड़ी लीफ ड्रॉ कर रहे हैं हम यहाँ पर.
अभी हम एक स्टेम ड्रॉ करेंगे और फिर हम यहाँ पर फ्लावर ड्रॉ करेंगे। बहुत सिंपल फ्लावर ड्रॉ किया है हमने एकदम। एकदम स्ट्रेट ड्रॉ नहीं करना है। ये यहाँ पर राउंड शेप लेना है, ऐसे हमने राउंड शेप लिया ऊपर की तरफ, ये इसको हमने थोड़ा सा कर्व किया यहाँ से दोनों साइड से, राउंड शेप लेने के बाद ये हमने कर्व लिया, ये यहाँ से भी हमारा कर्व आया। और ये ऊपर अभी यहाँ पर भी एक राउंड हमने, आप फ्लावर कैसे भी ड्रॉ कर सकते हैं जैसे आपको सूटेबल हो। ये अभी इसको यहाँ से लीफ ड्रॉ किया, फिर यहाँ से एक लीफ ड्रॉ किया, अभी सेंटर में। आई होप यू अंडरस्टैंड कि हमने किस तरह से फ्लावर ड्रॉ किया है। अभी इसको स्केच पेन से पहले बॉर्डर कर लेते हैं। अभी ब्लैक स्केच पेंसिल्स का बॉर्डर कर लेंगे, फिर हम इसमें कलरिंग स्टार्ट करेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, ब्लैक स्केच पेन लेंगे और इसका बॉर्डर करेंगे, आउटलाइन करेंगे इसकी, जो हमने पिक्चर ड्रॉ की है उसकी हम आउटलाइन कर देंगे। तो ये हमारी स्टैंडिंग लाइन, लीफ का शेप आप कैसे भी ले सकते हैं और कितनी भी लीव्स ले सकते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है।
अभी फ्लावर ड्रॉ करेंगे जैसे हमने बताया आपको। नीचे से यू शेप लेना है और फिर ऊपर से साइड से थोड़ा सा कर्व्ड करना है। अगर कर्व्ड नहीं कर सकते हैं तो आप पेंसिल का जितना भी मार्क है वो भी आपको इरेज करना है। सब पेंसिल का अंदर का इरेज हमने इरेज कर दिया जो हमारा अंदर का पेंसिल का मार्क था। पेंसिल के जितने भी निशान थे वो सब इरेज कर दिए। अभी हम इसमें कलरिंग स्टार्ट करेंगे। तो फ्लावर पॉट के अंदर हम पेंसिल कलर से कलरिंग करेंगे, बाकी की पिक्चर में हम। तो अभी हम वी आर टेकिंग पेंसिल कलर्स फॉर फ्लावर पॉट। आप अपने मन से कोई भी कलर फ्लावर पॉट के लिए चूज कर सकते हैं और उसमें कलरिंग कर सकते हैं। यहाँ पर आई एम यूजिंग ब्राउन कलर ऊपर। सबसे पहले हमने कॉटन बट प्रिंटिंग से आपको हट और ट्री करवाया था, अभी हम कॉटन बट प्रिंटिंग से फ्लावर पॉट करवा रहे हैं आपको। आप अपने मन से अपने पसंद से कोई सा भी कलर अपने फ्लावर पॉट में कर सकते हैं। ये कंपलसरी नहीं है कि आपको यही कलर करना है। बाहर मेरा मोर का बाहर उठा ला। तो इसके मतलब इसमें क्या
वी आर यूजिंग पेंसिल कलर हेयर, यू कैन डू एनी कलर। आपको अगर यहाँ पर कोई और कलर करना है तो आप वो कलर भी कर सकते हैं अपनी पसंद से। अपनी पसंद से फ्लावर पॉट के अंदर कोई भी कलर कर सकते हैं। अभी हम फ्लावर पॉट में कलरिंग स्टार्ट करेंगे। तो अभी पहले इसकी स्टेम में कलर कर लेते हैं, फिर हम फ्लावर पॉट के अंदर कलरिंग स्टार्ट करेंगे। इसके लिए हम कॉटन बड्स यूज़ करेंगे पोस्टर कलर को करने के लिए। ये हमारा रेडी हो चुका है, अभी हम कलरिंग स्टार्ट कर रहे हैं। इसके लिए वी विल यूज कॉटन बड्स। अभी हम यहाँ पर पहले फ्लावर में कलरिंग करेंगे। फ्लावर के लिए वी आर यूजिंग रेड कलर, हम रेड कलर यूज़ कर रहे हैं। तो कॉटन ऐसा कलर लेना है और उसमें कॉटन बड को डिप करना है और फिर आपको उसमें कलरिंग करना है। तो ये सिस्टमेटिक वे में होना चाहिए, एकदम सिमेट। आपको डिप करना है कॉटन बड को कलर के अंदर और जैसा हम यहाँ पर कर रहे हैं ऐसे ही कलरिंग करना है। एनी कलर डार्क, ठीक है बोलना। देखा हमने कॉटन बट के थ्रू कलरिंग किया है इसके अंदर फ्लावर के अंदर। आपको जो भी कलरिंग करना है फ्लावर में आप वो कर सकते हैं अपने मन से, अपने अकॉर्डिंग। बस अनजम्बल नहीं होना चाहिए जैसे हमने यहाँ पर किया है, एकदम सिमेट्रिक लाइन वे में। ऐसे ही आपको कलरिंग करना है। ये
अभी हम यहाँ पर दूसरे वाले फ्लावर में भी कलरिंग करेंगे, तो इसके लिए वी विल यूज़ येलो कलर, येलो कलर का यूज़ करेंगे। आप तीनों चाहें तो तीनों फ्लावर डिफरेंट भी बना सकते हैं, और आपको सेम कलर रखना है तो आप सेम कलर भी रख सकते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग जैसे आपको करना है यहाँ पर कर सकते हैं। आपने देखा, हाँ हमारा एक लाइन में कलरिंग हो रहा है, अंजम्बिल नहीं है। आपने देखा कितना इजी है इसके थ्रू कलरिंग करना, स्प्रेड भी नहीं हो रहा कलर, एंड इट इज़ सो इजी। शुक्रिया। बीच में रखो, बीच में रखो। अभी हम लीफ के अंदर कलरिंग करेंगे, कॉटन बड के थ्रू ही कलरिंग करेंगे। तो वी आर यूजिंग कॉटन बड्स। तो लीफ के लिए भी हमने कॉटन बड को कलर में डिप किया, और हम यहाँ पर इसमें कॉटन बट को कलर के अंदर डिप करना है और कलरिंग करना है जैसे हमने यहाँ पर कलरिंग किया है। इट इज़ सो ईजी, ईजी भी बहुत है, और देखिए कितना अट्रैक्टिव लग रहा है ये आफ्टर कलरिंग। यू कैन डू ईजीली, ईजी बहुत आसानी से, विदाउट एनी हेल्प, किसी की हेल्प किए बिना भी कर सकते हैं।
छोड़ दो। आप फ्लावर के अंदर अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कलरिंग कर सकते हैं, जो भी कलर आपको करना है, रेड, येलो, ऑरेंज, पर्पल, जो कलर आपको करना है वो कर सकते हैं। बस आपको कॉटन बड का यूज़ करना है कलरिंग के लिए। सबके घर में अवेलेबल होती है कॉटन बड्स, आप कॉटन बड निकालिए और उसमें कलरिंग कर लीजिए। आई होप यू अंडरस्टैंड कि कैसा करना है। आपको हमने बहुत ईजिली अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो आपको ऐसे ही ये करना है और इसका पिक्चर क्लिक करके हमें सेंड करना है ये काम करने के बाद। ओके क्लास, बाय बाय।